हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लिगामेंट की चोटें ऐसी है कि सब जगह तो इनके बारे में प्रॉपर जानकारी अवेलेबल नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे सस्ते में इलाज कराने के चक्कर में कुछ का कुछ करा बैठते हैं। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जिनका एक एसीएल कहीं और हुआ था, उनको सक्सेस नहीं मिली। इस बार उनका जब एसीएल टूटा वो सीधे मेरे पास आए और इस बार का जो उनका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। आइए उनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? दलवीर सिंह जी। दलवीर, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सिरसा हरियाणा से रहने वाला हूँ। आपको लिगामेंट की चोट राइट साइड में कैसे लग गई थी? वॉलीबॉल खेल रहा था सर। कितने दिन पुरानी बात है ये? लगभग 5 साल हो गए। तो 5 साल तो काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो इतने टाइम में आपने इलाज क्यों नहीं कराया राइट साइड का? वो पहले पता नहीं था, पहले ये कह रहा था चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर धीरे धीरे एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो जिम वगैरह जाने लगा, तो उसके वजह से दिक्कत आने लगी, दर्द करने लगे। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि करवाना पड़ा। तो आप सिरसा से इतनी दूर जयपुर क्यों आए? आपने वहीं क्यों नहीं डिसीजन ले लिया कि वहीं करा लेता हूँ आसपास? वहाँ पे ना तो एक्सपीरियंस मिल रहा था, ना अच्छे से डॉक्टर मिल रहा था। मैंने लगभग 1 साल हो गया इधर उधर पते पर लगाते हुए कि मुझे मिल जाए अच्छे डॉक्टर, लेकिन नहीं मिले नहीं। तो उसके बाद मैंने आपका यूट्यूब का चैनल से भी देखा और पास में मेरे हनुमानगढ़ के एक गांव से, छोटे से गांव से एक यहाँ से करवा के गया हनुमान, तो उससे पता किया, तो उन्होंने बताया वहाँ चले जाओ, वहाँ अच्छा एक्सपीरियंस और बढ़िया रहेगा। जो आपको भीमसेन ने बताया था वहाँ पे, उसकी तुलना में और जो आपने रियल देखा उसमें कितना अंतर है? बहुत अंतर है सर, बताया से उससे अच्छा ही मिला है हमें। सेटिस्फाइड हो आप यहाँ? हाँ जी सर। और खर्चे के मामले में कैसा लगा? जैसे बाकी अस्पतालों में भी आपने काफ़ी सारी जगह पूछा और यहाँ का, तो आपको कैसा लगा? सस्ता अस्पताल है, महंगा है, कैसा है ये अस्पताल? नहीं, अफोर्डेबल है। जैसे यहाँ गरीब और अमीर का कोई वो इशू नहीं है, डिफरेंस नहीं है। यहाँ आएगा तो मतलब बढ़िया करवा के जाएगा। पिछली बार जब आपका ऑपरेशन हुआ था, जो लेफ्ट साइड का हुआ था, तब आपके काफ़ी दर्द हुआ था, आप घबराए हुए थे कि सर इस बार भी दर्द होगा, तो दर्द के मामले में कैसा लगा आपको? ज़्यादा दर्द हुआ, कम हुआ? बिल्कुल थोड़ा बहुत दर्द हुआ था, वो अथवा मतलब सेट हो गया था, कोई ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था सर। ऐसे कोई, जैसे दो लोग डर के मारे ऑपरेशन नहीं कराते, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है? नहीं, ऐसी कोई डर, पिछली बार तो मैंने बेहोशी का इंजेक्शन लगवा कर फिर किया था, इस बार तो मैंने सारा ऑपरेशन खुद फेस टू फेस देखा। मुझे कह भी रहे थे सर मुझे सुला दो, लेकिन हम आपको हिम्मत दिला रहे थे। हाँ जी, वो मैंने अपने आप पूरा देखा, कैमरे में एलसीडी में चल रहा था, वो सारा मैंने प्रॉपर देखा है। तो मान लो कोई और लोग हैं जो सिंगाणा के या हिसार के, नारनौल के, रोहतक के हैं और जिनको लिगामेंट की प्रॉब्लम है, आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी ट्रेन पकड़ो और यहाँ आ जाओ, ऑपरेशन करवा लो, सस्ता भी है और अच्छा भी है, दोनों में बार बार आने का चक्कर नहीं पड़ेगा और सही से करवा के चले जाओ। दोस्तों, अब इनको एक्सरसाइज जो है हम वीडियो के माध्यम से भेजते रहेंगे ताकि इनको बार बार इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़े, और इनके जो लेफ्ट साइड का एसीएल है उसके लिए मेरी सजेशन यही है कि एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी काफ़ी रिकवरी हो जाएगी। अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये देखिए कि बेस्ट इलाज कहाँ हो रहा है, कहाँ पर महीने के 100-150 ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई आदमी एक ही ऑपरेशन को बार बार करता है तो एक्सपर्ट बन जाता है। ऐसी तुलना में आप ऐसी जगह सर्जरी कराते हैं जहाँ पे कि महीने की एक या दो ही सर्जरी होती है, तो शायद वहाँ पे टीम इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होती, तो उससे आपकी रिकवरी में स्लोनेस आ सकती है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्त।